घोषी केस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगावाद और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगावादियों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगावादियों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए। ये तो पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं। हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात की। कोई नहीं कह सकता मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष से अधिक समय से जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला। भाइयों बहनों, अगर मैं देश की बात न करूं, मैं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं, 55 लाख गरीबों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को एक एक आवास, जिसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है और अल्पसंख्यक भी है। इन 55 लाख लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए आवास क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया था, इन गरीबों को, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन अल्पसंख्यकों को आवास क्यों नहीं मिल पाया था? 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक एक शौचालय बना। आखिर 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इन गरीबों के घर में, इन दलितों के घर में, इन पिछड़ों लोगों के घर में, इन अल्पसंख्यक लोगों